ये ऑफ रोडिंग आ चुके हैं यार। इस समझ में नहीं आ रही। यार गिर गया यार, पैर में लग गया। बाइक उठाओ, बाइक उठाओ। अरे गिर गया था मैं, गिर गया, चोट लग गई थी यार पैर में। ऑफ रोडिंग पत्थर आ गए थे ना, पैर में लग गई यार। अरे पैर में लग गई थी बस थोड़ा। ये ऑफ रोड है ना, तो पत्थर आ गए थे तो गिर गया था मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू वाचिंग नाउ संदीप व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ फिर से अपनी पल्सर 220F के ऊपर राइड रिव्यू करने। छोटा सा राइड करूँगा, ठीक है, और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है कैसा नहीं। तो गाइस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना भाई राइड रिव्यू, ठीक है। तो भाई ये रहे अपने भाई जो मिले थे उस दिन हमें रोड रेंज पे, वो भी भाई और बाकी हमारी पूरी टीम है, ठीक है। हम चलते हैं, चले चले यार। एक तो एक स्टार्ट लेने में बड़ी दिक्कत दे रही है गाइस। हो गई स्टार्ट। पहले गाइस इधर भगा लेते हैं थोड़ा सा। शेर बूढ़ा हो चाहे जवान हो भाई, शेर शेर होता है भाई, बहुत ही अच्छा भागते हैं ये, चाहे ये नई हो चाहे पुरानी हो, ठीक है। अभी तो गाइस ये नई है, 2020 का मॉडल है गाइस, ठीक है। तो इसलिए भाई बहुत ही अच्छा भाग रही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है भाई, ठीक है। पल्सरों की सारी बाइकें अच्छी लगती है यार। पल्सर की 220 ले लो, पल्सर की NS ले लो, पल्सर की RS ले लो भाई, सारी बाइकें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। ये देखो गाइस इंजॉय करते हुए चल रहे हैं भाई अपने, वाला बीच में लिया है। निकाल लो यार यहाँ से जल्दी से। बात करी जाए कंफर्टेबल की तो लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, ठीक है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। हाँ भले थोड़े पुराने मॉडल की हो चुकी है, बट यार लुक में और कंफर्टेबल में और राइडिंग में किसी चीज़ में मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं लगती मुझे। गाइस पहली एक ऐसी बाइक है ना जिसके ये मिरर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब सूट करते हैं एक स्पोर्ट्स बाइक पे, ठीक है। जाम कैसा लग गया भाई यहाँ पे। और भाई बात करें हम इसके हैंडल बार की, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है, देख लो गाइस। और माइलेज वगैरह की बात करूँ ना गाइस, तो माइलेज भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा देती है, ठीक है। मैंने लाइव मतलब किया था माइलेज, तो मुझे पता है 40 प्लस माइलेज देती है, सिटी में आपको 35 प्लस माइलेज देगी, ठीक है गाइस। और अभी यार इसकी फर्स्ट सर्विसिंग करवाई है, और सेकंड सर्विसिंग जब करवाऊंगा ना तो उसके बाद भी गाइस एक माइलेज टेस्ट की वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा, ठीक है। और गाइस मेरी पता नहीं वॉइस आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही होगी नहीं, क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा ना, क्योंकि भाई आपको पता ही है दिल्ली में कोविड वोविड का हाल। लेकिन अब तो गाइस कोविड जो है ना दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लॉकडाउन वगैरह खुल गया, वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, तो इसलिए हम संडे राइड वगैरह पर भाई कुछ कहीं जा नहीं पाते थे, संडे को घर पर बैठे रहते थे, क्योंकि बाइक ही बंद हो जा रही है, क्योंकि ठंडी पड़ी हुई थी ना बहुत दिनों से। गाइस अभी हम वो मतलब थोड़ा दूसरे रास्ते पर चले गए थे, और हम दूसरे रास्ते पे, तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं उनका। तो गाइस ये आ गए और चलते हैं गाइस यहाँ से, पता नहीं कहाँ चले गए थे। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी पल्सर 220 का, कि भाई कैसा परफॉर्मेंस दे रही है गाइस। मात्र अभी ये 4200 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तो नहीं है, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। थोड़ा तेज़ चलाना पड़ेगा गाइस, कि वो थोड़ा तेज़ चल रहे हैं। थोड़ा साइड ले लेते हैं, से चलते हैं यहाँ पे। ये यार कहाँ लेके जा रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने, ये
ये ऑफ रोडिंग आ चुके हैं यार। भाई पीछे नहीं, गिरना नहीं है। तो भाई ये कैसा रोड है, समझ नहीं यार। ये ऑफ रोडिंग रोड पे आ चुके हैं यार और बंद भी हो जा रही है। अबे भाई समझ में नहीं आ रही। अबे यार गिर गया, उठाना यार। अबे भाई गिर गया यार, पैर में लग गई यार, यार पैर में लग गई। बाइक उठाओ, बाइक उठाओ यार। ये ऑफ रोडिंग रोड था, पता नहीं चला, क्रॉस कर रहा था यार। ज़्यादा तो नहीं लगी, लगी यार तेरे पैर में लग गई यार। पैंट फटी, फटी तो नहीं है ना, पैंट पैंट नहीं फटी यार। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, स्टार्ट करा यार, इसे निकालो, बाहर निकाल यार। ये तो एक तो ऑफ रोडिंग रोड है ना, ये इस चक्कर में दिक्कत आती है यार। ये भी आ रहे हैं, चल भाई चल, हैंडल सीधा कर उसका, अपनी तरफ और अपनी तरफ। क्या हो गया? अरे गिर गया था मैं, गिर गया, चोट लग गई थी यार पैर में। कहाँ लग गई था? ऑफ रोडिंग में पत्थर आ गए थे ना, पैर में लग गई यार। ज़्यादा लगी? ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ी सी यार। बाइक का नुकसान तो नहीं हुआ ना यार? चलो चलो यार, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। यार ऑफ रोडिंग आराम से चलानी पड़ेगी मेरे को, लग जाती यार। बच गया, चलो कोई नहीं। अरे पैर में लग गई थी बस थोड़ा, ये ऑफ रोड है ना, तो पत्थर आ गए थे तो गिर गया था मैं। किधर से? ऐसे अरे चोट लग गई थी। पैर में लग गया यार, अब सारा मूड ऑफ हो गया भाई, क्या बताऊँ मैं। ज़्यादा तेज़ लगी, मैं इन्हें बता नहीं सकता कि कितनी तेज़ लगी है। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने, मतलब जाओ काम करना था हमें, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपना काम कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ये अपना काम हो गया, एक मिनट। निकल चुके हैं अब लोग अपना काम ख़त्म करके यहाँ से, ठीक है, जो भी हम अपना काम करने आए थे। और तो गाइस चोट वोट लगी थी, जो दवाई लेनी थी गाइस वो भी ले ली मैंने। अपने भाइयों को थोड़ा अलविदा कर देते हैं और चलते हैं भाई अपना। ये कहाँ लेके आ रहा है भाई इधर? गाइस लर्निंग तो होके मैं दिल्ली आ रहा हूँ, बताओ। टक्कर मारेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं। चलो भाई, भाइयों को अलविदा कर देते हैं, चलते हैं। ये भाई जा रहे हैं अपना थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और हम चलते हैं यहाँ से अपनी राइड पे। मेरी सेकंड बाइक होगी गाइस, वो होगी KTM 390, ठीक है। मैं आज ही आप लोगों को वीडियो में बता देता हूँ कि अगली जो बाइक लूँगा ना गाइस, मैं KTM 390 लूँगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक है, लुक भी अच्छा है गाइस, परफॉर्मेंस भी, पावर भी अच्छी है। और गाइस KTM 390 ले लूँगा तो मतलब जो है ना अपना सुपर बाइक का भी हाथ खुल जाएगा कि सुपर बाइक भी कैसे चलानी है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं KTM 390 लूँगा। अरे एक तो मास्क लगा रहा है ये बस वाले,
ऐसा चलाता है। और गाइस ये वैसे ऑफ रोडिंग के लिए भी ना काफ़ी अच्छी बाइक है, ठीक है। और हम आ चुके हैं भाई इधर अपना आजादपुर का फ्लाईओवर की साइड। मास्क जो है बार बार मेरा नीचे आ जा रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं इधर। वेल परफॉर्मेंस है गाइस। मैं एज अ ओनर भाई इसको ऑन कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी अच्छी बाइक है ये, ठीक है। अपना साइड साइड से आराम आराम से निकाल लेते हैं। ये आजादपुर की फल मंडी है गाइस, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं गाइस इसे। राइडिंग पोर्शन दिखाते हैं। कहीं एक जगह गाइस इसे रोकते हैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं, ठीक है। साइड से ही चल रहा हूँ भाई। ऐसे आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि भाई मैं थोड़ा उधर से नहीं इधर से मेरे को जाना है ना, तो इसलिए मैं गाइस ऐसे चला रहा हूँ भाई। कैसे निकालो से निकाल लेते हैं गाइस ऐसे साइड साइड से करके। गाइस रोक लेते हैं सर। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने घर के आसपास। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस मिलेंगे ऐसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय गाइस।